अथ पुरुषोत्तम मास महात्म्य अध्याय 13। ऋषि लोग बोले, हे सुत जी, हे बोलने वालों में श्रेष्ठ पुरुषोत्तम के सेवन से राजा दृढ़न्वा, शोभन, राज्य पुत्र आदि तथा पतिव्रता स्त्री को किस प्रकार प्राप्त किया और योगियों को भी दुर्लभ भगवान के लोक को उसने किस प्रकार प्राप्त किया। हे तात, आपके मुख कमल से बार बार कथा सार सुनने वाले हम लोगों को अमृत पान करने वालों के समान कथा अमृत पान से तृप्ति नहीं होती। इस कारण से इस पुरातन इतिहास को आप विस्तार पूर्वक कहिए। हमारे भाग्य के बल से ही ब्रह्मा जी ने आपको दिखलाया है। सूत जी बोले, हे विप्रलोग, सनातन मुनि नारायण ने इस पुरातन इतिहास को नारद जी से कहा था और वही इतिहास इस समय में आप लोगों से कहता हूँ। मैंने जैसा गुरु के मुख से सुना है वैसा ही आपको सुनाता हूँ, श्रवण कीजिए। है देश में एक अति पराक्रमी चित्रधर्मा नाम का राजा था, जिसका दृढ़न्वा नाम का पुत्र था। दृढ़न्वा प्रसन्नता के साथ गुरु के मुख से एक बार कहने मात्र से पूर्व में पढ़े हुए समान व्याकरण आदि 6 अंगों के साथ चारों वेदों का अध्ययन करके गुरु को दक्षिणा देकर और विधि पूर्वक उनकी पूजा करके बुद्धिमान राजा गुरु की आज्ञा से अपने पिता चित्रधर्मा के पुर को शिक्षा पूरी करने के बाद वापस गया। पुत्र को देखकर राजा चित्रधर्मा को बहुत प्रसन्नता हुई, क्योंकि यदि पुत्र संपूर्ण धर्म को जानने वाला हो और प्रजा पालन में समर्थ हो तो इससे बढ़कर के सार शून्य इस संसार में और कुछ नहीं होता। इसके पश्चात जिस तरह से ध्रुव, अम्बरीश आदि ने अपने मोह का त्याग करके पुरुषोत्तम भगवान की आराधना कर नित्य विष्णु पद को चले गए, उसी तरह से स्त्री पुत्र आदि के स्नेह में बंधन को तोड़कर वन में जाकर हरि का सेवन करने की इच्छा से राजा चित्रधर्मा अपने पुत्र दृढ़न्वा को राज्य का भार सौंप करके स्वयं विरक्त होकर पुलह ऋषि के आश्रम को चला गया और वहां जाकर संपूर्ण कामनाओं से निष्प्रह हो और भोजन का त्याग कर हर समय मन से भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करने लगा और तपस्या करने लगा। कुछ समय तक तप करके वह राजा चित्रधर्मा हरि भगवान के परम धाम को चला गया। राजा दृढ़न्वा ने भी अपने पिता की वैष्णवी गति को सुना। उस समय पिता के परम धाम गमन से हर्ष और वियोग होने से शोक युक्त राजा दृढ़न्वा पितृभक्ति से विद्वानों के वचन में स्थित होकर पारलौकिक क्रिया को करता रहा। नीति शास्त्र में चतुर राजा दृढ़न्वा अत्यंत शोभित व पवित्र पुष्करावर्तक नगर में राज्य करने लगे और उनका विवाह विदर्भराज की कन्या गुड़सुंदरी के साथ हुआ। उनके 4 पुत्र और 1 पुत्रियां हुई। चारों पुत्रों के नाम चित्रवाक, चित्रवाह, मणिमान और चित्रकुंडल थे। साथ ही साथ कन्या का नाम चारुमती था। एक समय रात्रि में शयन करते हुए राजा दृढ़न्वा को चिंता हुई कि ये वैभव किस महान पुण्य के कारण हमें प्राप्त हुई है, क्योंकि ना तो मैंने कोई तप किया है, ना दान किया है, ना ही कहीं कुछ हवन किया है। मैं इस भाग्योदय का कारण किससे पूछूं? इस प्रकार चिंता करते हुए राजा दृढ़न्वा की रात्रि बीत गई। प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर विधि पूर्वक स्नान कर उदय को प्राप्त सूर्य नारायण का उपस्थान कर तथा भगवान का पूजन कर ब्राह्मणों को दान देने के पश्चात राजा घोड़े पे सवार हो गया। उसके बाद शिकार खेलने की इच्छा से वे वन में चले गए, जहाँ पे बहुत से मृग आदि का उन्होंने शिकार किया। उसी समय राजा दृढ़न्वा के बाण से घायल होकर एक मृग बाण सहित शीघ्र एक वन से दूसरे वन में चला गया। रुधिर गिरे हुए मार्ग से राजा भी मृग के पीछे गया, परंतु मृग कहीं झाड़ी में छिप गया और राजा उस वन में उसे खोजता ही रह गया। पिपासा से व्याकुल उस राजा ने समुद्र के समान एक तालाब को देखा और वहां जल्दी से जाकर पानी पीकर तीर पर चला आया। वहां घनी छाया वाले एक विशाल वट वृक्ष को देखा। उस वृक्ष की जटा में घोड़े को बांध कर राजा वहीं पर बैठ गया। उसी समय वहां पर कोई एक परम सुंदर शुक केवल राजा को बैठे देख उसको संबोधित करता हुआ एक ही बात को बार बार कहने लगा। वह कहने लगा कि इस पृथ्वी पर विद्यमान अतुल सुख को देखकर तू आत्मा का चिंतन क्यों नहीं करता, तो इस संसार को पार कैसे करेगा। बार बार इसी श्लोक को राजा दृढ़न्वा के सामने वो पढ़ने लगा।
राजा उसके वचन को सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और उस पर मोहित हो गया कि इस छुप पक्षी ने दुख से जानने योग्य सार भरे हुए नारिकेल फल के समान अगम्य एक ही श्लोक को बार बार पढ़ते हुए क्या कहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कृष्ण द्वैपायन के श्रेष्ठ पुत्र शुकदेव जी हों, जो श्री कृष्ण चंद्र के सेवक मुझको मूढ़ और संसार सागर में डूबा हुआ देखकर राजा परीक्षित के समान कृपा कर मेरा उद्धार करने की इच्छा से मेरे पास आए हैं। इस तरह चिंता करते हुए राजा दृढ़धनवा की सेना समीप में आ गई। शुक पक्षी राजा को उपदेश देकर स्वयं अंतर ध्यान हो गया। उस शुक पक्षी के वचन को स्मरण करता हुआ राजा अपने पुर में आया। बुलाने पर भी अब वो नहीं बोलता था और निंद्रा रहित होकर उसने भोजन का भी त्याग कर दिया। तब एक दिन एकांत में उसकी रानी ने आकर उससे पूछा, हे पुरुषों में श्रेष्ठ, यह मन में मलिनता क्यों है? हे भूपाल, हे पृथ्वी के रक्षक, उठिए और भोगों को भोगिए और कुछ बोलिए। देवताओं से भी दुख से जानने योग्य उस शुक पक्षी के सत्य वचन का स्मरण करता हुआ रानी गुड़सुंदरी के प्रार्थना करने पर भी राजा दृढ़धनवा कुछ नहीं बोला। पति के दुख से अत्यंत पीड़ित वह रानी भी दीर्घ श्वास लेकर अपने स्वामी की चिंता के उत्कट कारण को भी नहीं जान सकी। इस प्रकार चिंता में मग्न राजा का कितना समय बीत गया, परंतु संदेह सागर से पार करने वाला कोई भी कारण वह ना देख सकी। इति वृहन नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्मे त्रयोदशो अध्याय समाप्त। नमो नारायण।